देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने देवास जिले में चलाए जा रहे शिप्रा शुद्धिकरण, जल संरक्षण, अमृत संचय और पौधारोपण अभियान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और कहा पर्यावरण बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंहस्थ 2028 में शिप्रा में शुद्ध पानी मिले इसलिए अभियान चलाकर शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। गांव में जल संरक्षण के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं जिससे 200 करोड़ लीटर पानी बचाने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक कुल 60 करोड़ लीटर पानी बचाने के लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है। इसी के साथ जिले में वन विभाग द्वारा 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 30,000 पौधे देवास माता टेकरी और शंकरगढ़ की पहाड़ी पर लगेंगे। आज तीन प्रमुख विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। सबसे पहले शिप्रा शुद्धिकरण अभियान जिसके अंतर्गत 104 चिन्हित गाँव में जहाँ पर शिप्रा या फिर उसमें रहने वाले नाले जाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से गंदे पानी को शिप्रा में ना मिलने दिया जाना या फिर वहाँ पर वृक्षारोपण करना या फिर वहाँ पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करके इस प्रकार के बोरी मंथन करना ताकि हमारा वहाँ पर पानी का प्रवाह बढ़े और साथ में हमारा गंदा पानी ना जाए, ये पहला विषय था। इसके बारे में विस्तृत ढंग से बताया गया कि शासन प्रशासन की क्या प्लानिंग है। दूसरा, वृक्षारोपण के संबंध में कैसे आने वाले टाइम में हम लाखों की तादाद में पौधे ना केवल शिप्रा के अंचल में अपितु वन क्षेत्र में साथ में माता जी की टेकरी शंकरगढ़ की पहाड़ी पे जो लगाने वाले हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक आज बताया गया। तीसरा, आज अमृत संचय अभियान की शुरुआत देवास शहर में की गई। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि इसमें जो हम 200 करोड़ लीटर पानी हम बचाकर अधिक से अधिक मात्रा में जमीन में पहुंचाएं जिससे कि देवास शहर का जलस्तर बढ़े, उस चीज़ के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आम जन इस मुहिम में कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।